Hello everybody, welcome back to this channel again. How are you guys doing? I should say welcome back to this round face. I haven't been working out lately and you can see the result. तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा awkward होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए. As you guys know, I have a very big family. I have many pets, बहुत सारे pets हैं मेरे पास और बहुत सारे लोग interested होते हैं इन चीज़ों को लेकर. Specially Olive, मेरी iguana, she was a reptile. उसने बहुत ही अच्छे changes किए हैं लोगों के दिलों में and I am proud of that. उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि they have started loving the iguanas, the monitor lizards. And iguanas are not monitor lizards, but they resemble each other. And that's how this video is about. So I'll start from the beginning. हम एक रूरल एरिया में थे. वी हैव अ ग्रुप देयर बेस्ड ऑन द रेस्क्यूज. वहाँ पर बहुत सारा वाइल्ड लाइफ इंडल्जमेंट है. बहुत सारी वाइल्ड लाइफ उनको देखने को मिलती है. उनके घर में सांप आ जाते हैं, मॉनिटर लिजार्ड आ जाते हैं, पॉक्यूपाइंस हैं. बहुत अच्छी जगह है एंड देयर आर नो ऑलमोस्ट नो पीपल हु एक्चुअली मे रेस्क्यू देम. तो जो भी सांप किसी के भी घर में निकलता है वो मारा जाता है. मॉनिटर लिजार्ड निकलती है वो मारी जाती है. Everything. और ये जहरीला नहीं होता. इंडिया में 5% सांप जहरीले होते हैं 100% में से, और 95% सांप जहरीले नहीं होते. तो आपके घर में सांप निकले या कोई भी जंगली जानवर निकले, हमारा नंबर है, आप कॉल करो, हम आएंगे उसे पकड़ कर लेंगे. ठीक है, कोई मारना मत किसी सांप को या कोई भी जंगली जानवर को मारना. दांत ये पकड़ रखा है इसने, पकड़ रखा है. इसमें जहर नहीं होता, कुछ जहर नहीं होता. ये देखो, ये सब जो बड़े बूढ़े थे ना, उन्होंने मिथक बना के रख दिया है कि गोरा इतना जहरीला होता है, उतना जहरीला होता है, गोरा जहरीला. अफवाह में ही है बस सब कुछ, और कुछ भी नहीं है. और उसका साइज यही था. हाँ, यही था साइज, है ना. यही पर देखते यही है ना भाई. हम तो वही तो समझाने तो आए हैं. We have a beautiful, almost newborn Bengal monitor lizard baby. This is the perfect place for them. So I'm just gonna. There he goes. Very nice. It's a beautiful scenario over here. Thoda sa pani bhi hai. It's beautiful. And that's when हम जब वहाँ पर अवेयरनेस के लिए गए हुए थे. वी वर हैंडिंग देम आर पैम्फलेट्स. हम उसको उनको नंबर्स दे रहे थे कि डोंट किल देम, उनको मारिए मत, अगर आपको दिखता है तो आप हमें कॉल कीजिए. दिस इज़ इन यूपी, उत्तर प्रदेश बॉर्डर. और हम उनको समझा रहे थे. दैट्स व्हेन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम हमारे ग्रुप का ही एक बंदा है. ही गेव अस अ कॉल कि यहाँ पर इनके हंटर्स आए हुए हैं जो कि इनको मार के लेकर जाते हैं एंड दे हंट फॉर द हेयर्स, द वाइल्ड रैबिट जो कि आपने देखे होंगे, स्पेशली हिमालयाज में बहुत ज़्यादा दिखते हैं. जितने लोग खेतों में रहने वाले हैं उनको पता होगा, ये लोग उनको मार कर खाते हैं एंड दे हंट द मॉनिटर लिजार्ड्स. क्या हाल है जी? ये चल रहा है सब. देखो जी,
पहले बात करेंगे बंदे वाली बात ना हो रही है ठीक है जी आपका कोई है ठीक है जी भाई कट्टे में क्या है जाल लेंगे जाल ने दिखा मैं जरा जाल देखो जाल देखो ये लो भैया जाल ले रहे हैं ये अच्छा जी तो ये कुछ नहीं होगा भाई नहीं आता नेट ये तराजू बत्ता है हमारे कहां से फेरी लगाने आते हुए वो बात करते हैं और कुछ नहीं है भाई कोई नहीं कोई अभी यहां पे भैया चंदन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं चंदन को पकड़ने के लिए आते क्या कर दो फिर उसका भैया उसकी दवाई भाई बनती है जैसे काजल वगैरह बनती है आओ जी इसको बांध लो चुप रहे अभी रुक जा तेल बिल बनता है बैठे चुप रहे बैठे तेल वगैरह बैठे चुप रहे बैठे तेल बनता है हां सारा लो तेल किस चीज का भैया जैसा घुटने के दर्द के लिए उसके लिए घुटने के लिए हां कौन बनाता तेल भैया हम ही बनाते हैं जैसे बनाते हो मतलब जैसे उच्चारण भी आती है उसको दिखला के दादाजी को उस पे मालिश करने के लिए बनाते हैं बस उनके लिए अगर तुम्हें पता है अगर तुम इस चीज में पकड़ेगा कितने सालों की जेल होगी भैया देखो खाने पीने को ना है तुम्हारे पास नहीं भैया तो हम जब वहां पर गए आई सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल काफी ज्यादा ऑकवर्ड बातें कर रहे थे कुछ सीधा सीधा नहीं बोल रहे थे एक बार वो बोल रहे थे हाँ हम उनको मार के खाते हैं या फिर हम उनको बेचते हैं बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे एवरीथिंग वॉज वेरी मच मिक्सड अप फिर बाद में आई गॉट टू नो वो सब नशे में थे बहुत ज़्यादा नशे में थे एंड दे वर हैविंग मैनी ट्रैप्स उनके पास बहुत सारे नेट्स भी थे जो कि वो सेट करते हैं जो कि वो बोल रहे थे कि दे वर फॉर द फिशेज वो फिशेज के लिए यूज़ होता है पर जैसा कि हमारे ग्रुप ने वहाँ पर उनको काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व किया है जैसा कि आप वीडियो से देख भी सकते हैं Before this, let's cut the short. Before this, see this. ये ऐसे खोल के ऐसे बांध दिया है सही था ना वो नहीं था बस ऐसे करके ऐसा खोल दिया रख दिया आ गया फंस गया तो फंस गया वरना And this is the guy explaining everything कि वो कैसे कहाँ से लेकर उनको निकालते हैं and how they actually may do this. तो आई टेल यू समथिंग बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट होंगे यहाँ पर कि गरीबों को बदतमीजी से बोल रहा है गरीबों को ये गरीबों को वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट गरीब दे हैव देयर हैंड्स वर्किंग दे हैव देयर लेग्स वर्किंग हमें जब ये पता लगा था वी वर एक्चुअली में सम पीपल वर स्केयर्ड हम तीन चार लोग थे मुश्किल से वहाँ पर एंड वन ऑफ द गाय उसने ये बोला भी कि हो सकता है उनके पास कोई गन हो सकता है उनके पास नाइफ हो पर किसी ना किसी को यह स्टेप उठाना पड़ेगा उनके पास हो सकता था ऑब्वियसली पर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वो गरीब हैं और मेरे को उनको नहीं करने देना चाहिए था दिस इज अल्टीमेटली रॉन्ग बहुत सारे लोग बोलेंगे पुलिस को क्यों नहीं बुलाया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि अभी तक उन्होंने हंट किया है कुछ या नहीं अगर हमें उनके पास कोई भी एनिमल दिखता जो कि उनको हंट किया होता उन्होंने तो आई वुड हैव श्योरली कॉल्ड द पुलिस अप फॉर श्योर मैं उनको उठाकर पुलिस के हवाले कर देता या पुलिस आ जाती और वाइल्ड लाइफ का केस उनपे ऑब्वियसली हो जाता जय माता देखो देखो भाई देखो मैं तुम्हें हां बताओ भाई आप भी भाई देखो अब सीधी सीधी चीज है हां भैया क्यों कर रहे हो यार ये काम देखो गरीब आदमी है चलो भैया कोई बात नहीं कर रहे हो भाई ये काम तुम्हें पता है हम नहीं करेंगे भाई मेरी बात सुनो हमारे पास खाने के पैसे नहीं साफ किए रहे अबे भैया ये क्या वो देने आए थे बिकरी में लगा दूं तुझे भैया चल ले फन करूंगा भैया करुणा के चक्कर में आऊंगा अंदर के अंदर तुम्हें पता भी है सारी बात तुम्हें पता है गलत है ना यार क्यों कर रहे हो बात भी अपनी होगी खाना खाओ पकड़ेगा ना पकड़ेगा भैया अपन हमारे काम कभी नहीं करेंगे देखोगे जब बताना भैया और पता जो तुम तेल वेल लगा रहे हो उससे कुछ होता नहीं है कुछ नहीं होता जल्दी मैं तो आऊंगा ही अब उससे नहीं होता कुछ भाई जेल जाओगे गरीब आदमी ठीक है भैया चलो ठीक है ठीक है भाई आपको बोल देते हैं चलो ठीक है अच्छा भैया मालिक का भैया रास्ता चलो जाओ अबे भाई और स्मार्ट मत बन इधर भी रोड है वी आर गोना सर्च फॉर सम नेट्स जो कि उन्होंने जाल लगाए हुए थे बहुत सारी जगह यहां पर तो हम उन सबको निकालेंगे हमने जाल ले लिए उनसे This is an apt place for the monitor lizards. अभी तक हमें कोई जाल नहीं मिले but they are claiming कि यहाँ पर और जाल थे तो we are just searching for it. Let's see उन्होंने कहाँ पर लगाए होंगे Okay, there are cormorants also. देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी beautiful wildlife है और ये लोग यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करना चाह रहे हैं छोटे से थोड़े से पैसों के लिए व्हाट दे फकिंग डू मैन
And this whole thing comes under Wildlife Protection Act 1972. Animal cruelty, animal smuggling, wildlife smuggling, बहुत सारे क्लॉज उनके ऊपर लगते अगर उनके पास कोई एनिमल मिलता. बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. मैंने आधा घंटा से भी ज़्यादा टाइम लगाकर उनको समझाया वहाँ पर बैठ कर कि क्यों ये गलत है, वाई दे शुडंट डू इट. पर आई डोंट थिंक सो दे गॉट दैट पॉइंट. पर हाँ, आई मेड श्योर कि वो लोग कभी उस एरिया में वापस ना आए. अब वो किसी भी एरिया में जाएंगे, उस एरिया की भी खबर हमें आ जाएगी. ऐसा नहीं है कि उनके लिए काम की कमी है या उनके पास जॉब्स नहीं है. हमारे साथ जो लोग थे वो भी गांव में रहने वाले थे एंड दे आर क्वाइट रिच. उन्होंने उनको ऑफर दिया कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो हमारे साथ चलो, हमारी भैंसों की देखभाल करो, हमारी गाय की देखभाल करो, वील गिव यू द मनी. दे एक्चुअली मे सेड दैट, पर दे डिडंट वॉन्ट टू डू दैट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तो नशा कौन करेगा. द कैच मॉनिटर लिजार्ड, वो उसकी स्किन निकाल देते हैं, उससे वो अपनी जूतियाँ बना लेते हैं, उसके चप्पलें बना लेते हैं. उसके बाद वो फैट से ऑयल बनाते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा गलत मान्यता है कि उससे चीज़ें सही हो जाती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता. मीट वो खा लेते हैं क्योंकि और कुछ उनके पास खाने के लिए होता नहीं है. उसके बाद उसका जो पीनस होता है वो उसको सेल कर देते हैं. उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं उनके पास, वो उससे जिससे वो नशा करते हैं उसको खरीद कर लेकर आ जाते हैं. एंड दिस इज़ वेरी डिसगस्टिंग, दिस इज़ वेरी सैड. अगर आप ऐसी किसी भी चीज़ को देखते हैं, प्लीज़ रोकने की कोशिश कीजिए. लेट्स कंजर्व द एनिमल्स, नॉट ओनली डॉग्स, कैट्स, या फिर इन सब को ही नहीं. कोई सपेरा देखते हैं उसको रोकिए. अगर कोई हंट कर रहा है इन जानवरों को तो प्लीज़ रोकिए. दे एक्चुअली मे नीड अस, दे रियली नीड अस. इंडियन वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश में लगे हुए हैं, पर जब तक जनरल पब्लिक को नहीं अवेयरनेस आएगी तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. तो प्लीज़ सपोर्ट अस इन डूइंग दिस. जस्ट शेयर दिस वीडियो. जिसको भी कुछ भी गलत लगता है तो मेरे को बता सकते हैं आप. यू आर गाइज ऑल ओपन एंड That's it for the video. Just take care of yourself, your family. Stay safe from coronavirus. Stay at home jitna zyada se zyada ho sake. And just take care of yourself. And don't forget to be wild.